हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पर मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 5 हार्श ट्रूथ अबाउट मॉडर्न रिलेशनशिप्स, 5 वो कड़वे सच जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मॉडर्न रिलेशनशिप्स के, जो आपको पता होना लाजमी है। अगर आपको ये पता होंगे तो आपका रिलेशनशिप बेटर होगा, आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो 5 सच क्या हैं, कड़वे सच जो बहुत ही मुश्किल हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं जानना। पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि लव इज़ रिस्की। ठीक है, इस चीज़ को समझें कि लव में जब आप पढ़ते हैं तो इसके मोस्ट ऑफ द टाइम अंजाम जो है वो बुरे ही निकलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि ये जो चल रहा है रिलेशनशिप, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन वो वैसे नहीं चलता। इसलिए मैं ऑलवेज रेकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश किया करें कि आप जल्द से जल्द उसको अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करें, शादी कर लें बेटर है, इंगेजमेंट कर लें, जो भी आपके सूटेबल सर्कमस्टेंसेस में उस टाइम ऑप्शन है तो उस तरफ जाएं, ना कि उस रिलेशनशिप को लंबा खींचते रहें और वो एक दिन रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, फिर आपका दिल टूटता है। उस टाइम आप प्यार में बहुत ज़्यादा पड़ चुके होते हो, आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हो, तो इसलिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव करना। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब आप किसी को पसंद करते हैं और वो आपको पसंद करता है, तो उसको, उसकी फैमिली से बात करें, उसको आगे लेके जाएं। आप 5-5 साल रिलेशनशिप चलाते रहते हैं, वो भी कॉल पे या टेक्स्टिंग पे, तो ऑफ कोर्स वो फिर उसमें कुछ बचता ही नहीं है, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सो लव इज़ रिस्क, ठीक है, इसमें दिल टूटने का खतरा है, इसलिए इसको किसी अंजाम तक पहुँचाएँ, ज़्यादा लंबा मत खींचें फजूल में रिलेशनशिप को। ये बॉलीवुड की मूवीज़ में ही सिर्फ लव अच्छा लगता है, रियल में लव थोड़ा रिस्की होता है। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्रेकअप। ठीक है, इस चीज़ को समझें, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं समझते, वो सिर्फ अपनी एक्स की बुराइयाँ करते हैं, या वो मुझे कॉल करके जब कंसल्टेशन चाह रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं उनको इस तरह के मशवरे दूँ कि बस वो वापस आ जाएगी और उसको मिट्टी में भी लाना है और ये एंड वो, एंड जज्बाती हुए होते हैं आप बहुत इमोशंस में होते हैं, आपको गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ब्रेकअप की वजह सिर्फ वो नहीं है, ब्रेकअप की वजह आप भी हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप में ऐसे होता है कि वो आपको इंडिकेशन दे रहे होते हैं थ्रू आउट रिलेशनशिप, वो कभी आप पे गुस्सा करके, कभी आपसे दूर रह के, कभी आपको बता के, वो आपको इशारे दे रहे होते हैं, दे इंडिकेट यू दैट यू आर नॉट परफेक्ट या दैट यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक्स, लेकिन आप सुनते नहीं हैं, आप इतना फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, आपको लगता है कि यार ये कहाँ छोड़ के जाने वाली है मुझे, ये कहाँ छोड़ के जाएगा मुझे, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको अभी फ्यूचर आपके साथ नज़र नहीं आ रहा, उनको लगता है कि आप चेंज नहीं हो सकते। तो जब किसी इंसान को ये लगता है कि आप चेंज नहीं हो सकते, तो वो फौरन आपको छोड़ने की सोचता है। सो इसलिए इस चीज़ को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बैठ के गौर करें ब्रेकअप के बाद कि क्या गलतियां हुई आपसे और क्या आप सुधार सकते हैं, ताकि आप किसी नेक्स्ट पर्सन के साथ भी अगर फ्यूचर में रिलेशनशिप में जाएँ, अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो आपको पता हो कि क्या गलतियाँ नहीं करनी। और सेम गोज फॉर बोथ जेंडर्स, दोनों के लिए बता रहा हूँ, तो इस चीज़ पे गौर करें और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है वो है हार्श ट्रूथ जो एक रिलेशनशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो ये कि रिलेशनशिप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत से लोग ये नहीं जानते, वो समझते हैं कि रिलेशनशिप मतलब बस खुशी का नाम है, प्यार का नाम है, इंजॉयमेंट का नाम है। नहीं, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वायर करता है मैनेजमेंट। ये एक फुल टाइम जॉब है जिसके आपको शायद पैसे भी ना मिले। ठीक है, क्योंकि दोनों जेंडर्स जो हैं वो बिल्कुल, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। ठीक है, एक थोड़ा रैशनल है, एक थोड़ा इमोशनल है, मतलब है दोनों ही इमोशनल क्रीचर एज अ ह्यूमन, लेकिन एक थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है, एक थोड़ा कम इमोशनल है। सो वुमेंस क्योंकि थोड़ी ज़्यादा इमोशनल्स हैं,
उनका ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह वर्क करता है कि वो जितना एक्सप्रेस करती हैं, जितना चीज़ को डिस्कस करती हैं, उतना वो हील करती हैं, ठीक है। मैन का ये है कि मैन अगर किसी चीज़ का सलूशन नज़र आ रहा है तो उसको डिस्कस करेगा, अदरवाइज वो अपने दिमाग में ले के उसको घुमाता रहता है, जिसे रोमिनेटिंग कहते हैं। सो इंसान ये दोनों जेंडर्स में बेसिक डिफरेंस है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब वो एक साथ बात करते हैं, एक साथ रिलेशनशिप में आते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पार्टनर के ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंस है। तो वो दोनों यही गलतियाँ करते हैं कि औरत ज़्यादा, मतलब जब अपने मसले मसाइल सुना रही होती है, डिस्कस कर रही होती है, वो ये ख्याल नहीं रखती कि मैन का शायद इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट ना हो, तो मुझे थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। या मर्द भी ये गलती करते हैं कि वो अपनी वाइफ को सुनते नहीं है या अपनी गर्लफ्रेंड को सुनते नहीं, उनको चाहिए कि सुनना चाहिए। आई नो आपके लिए बहुत बेकार स्टोरीज हैं जो वो आपको दिन भर सुनाती है, मेरी खाला ने ये बोला और मेरी पप्पो ने ये बोला और ये हुआ और वो हुआ, आज मैंने ये खाया। आई नो आपके लिए शायद ये बोरिंग स्टोरीज होंगी, लेकिन उसके लिए बहुत अहमियत रखती है, लड़कियों के लिए ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं उनकी स्टोरीज, तो इसलिए उसको सुना करें। और मैनेजमेंट में बहुत और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जस्ट नॉट जस्ट दीज, ठीक है। आपको उसका ख्याल रखना होता है, आपको एक फुल टाइम एक जॉब है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस चीज़ को दिमाग में रखें रिलेशनशिप में जाने से पहले कि आपको बहुत सी चीज़ों पर कुर्बानी देनी होगी, ठीक है, अपनी टाइम की, अपनी ख्वाहिशात की। तो इसलिए वैसे आप सिंगल रहें तो वो ज़्यादा बेटर है, सिंगल इंसान ज़्यादा फोकस्ड होता है, मेहनत करता है, लेकिन रिलेशनशिप का अपना मज़ा है, आप हैप्पी रहते हैं, एक पार्टनर होता है इमोशनल, जिससे आप इंटिमेसी शेयर करते हैं, अपने ख्यालात शेयर करते हैं, इमोशंस शेयर करते हैं। सो इसलिए अगर आपके अंदर इतना जिगरा है कि आप रिलेशनशिप में जाके इतनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो आप रिलेशनशिप में जाएं, शादी करें, जो भी करें। लेकिन अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर बाद में शिकायत मत किया करें कि मेरा ब्रेकअप हो गया और दिल टूट गया और अब मैं यू नो हैप्पी नहीं हूँ, या मैं रिलेशनशिप में रह के भी हैप्पी नहीं हूँ। सो पहले ही आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। चौथी हार्श रियलिटी है मॉडर्न रिलेशनशिप्स की कि टू मच अवेलेबिलिटी है, और ये मैं काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ। बिकॉज ऑफ टू मच अवेलेबिलिटी जो कुर्बानी देने का जज्बा था, या जो यू नो सेक्रीफाइस करने की आदत थी दोनों जेंडर्स में, बिल्कुल ख़त्म हो गई। पुराने दौर में अगर कोई इंसान हमें बुरा लगता था, मुझसे रिलेशनशिप में उसकी कोई आदत बुरी लगती थी, तो हम थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर लेते थे। पुरानी दौर की शादियां भी इसी तरह होती थी कि मियां बीवी के झगड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो शादियां 20-25 साल चल जाती हैं, 30-30 साल चल जाती हैं। आजकल ये नहीं हो रहा, आजकल क्योंकि टू मच अवेलेबिलिटी है। दूसरा, इंफॉर्मेशन इस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड से हमें मिली है कि ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, और जैसा दिल करे वैसा करो, और कोई अगर ज़रा सा भी तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा तो उसको छोड़ दो। और ऊपर से अवेलेबिलिटी भी बहुत है, सोशल मीडिया है, स्नैपचैट है, हर जगह लड़कियां लड़के अवेलेबल हैं, तो हम एक को छोड़ते हैं, दूसरे पे स्विच करते हैं, और इस चक्कर में हम परफेक्ट इंसान ढूंढते रहते हैं और परफेक्ट इंसान कभी मिलता नहीं है। सो इसलिए जो एक पार्टनर है, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देम, उसी के साथ रहना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आप किसी और के पास जाएं और फिर उसमें भी कोई गलतियां होंगी और फिर आप किसी और के पास जाएं। तो इसलिए टू मच अवेलेबिलिटी एक हार्श ट्रूथ है जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं आजकल। सो अगर आप अपने पार्टनर को ये बात समझा सकें और वो भी समझे इस बात को, तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग चलेगा, अच्छा चलेगा। उसे ये थ्योरी समझाएं कि इससे आपको परफेक्ट इंसान नहीं मिल जाएगा, बल्कि और ज़्यादा परेशान होती रहेंगी और अपने बैड एक्सपीरियंस में और इजाफा करेंगी। तो इसलिए मेरी जो गलतियाँ हैं मुझे बताएं, और तुम्हारे अंदर जो गलतियाँ मैं तुम्हें बताऊँगा, ताकि हम दोनों एज अ पार्टनर, एज अ टीम मेट आगे बढ़ सके। पांचवी चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, जो लोग बहुत हार्श ट्रूथ है, जो लोग गलती करते हैं मॉडर्न रिलेशनशिप्स में, वो ये कि दे लुक फॉर स्टेटस और मनी और पर्सनैलिटीज़। सही है, पर्सनैलिटीज़ को देखते हैं, स्टेटस को देखते हैं, और मनी को देखते हैं, यू नो लुक्स को देखते हैं। जो देखने वाली चीज़ है वो है करेक्टर और पीस, ठीक है। आपको किसी भी इंसान के अंदर पीस ढूंढनी चाहिए, ठीक है, कि यार इस इंसान के साथ रह के मैं सुकून में रह पाऊंगी या पाऊंगा,
या ये इंसान करेक्टर वाइज अच्छा है या नहीं है। एक एक, एक इंसान अगर रिच है, पैसे वाला है, बट एट द सेम टाइम वो शराबी है, वो गाली देता है और वो लड़ता है 24 घंटे, यू नो, या टॉक्सिक है, तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगा। आप लोग इस नज़रिए से सोचते नहीं है, स्पेशली यंग गर्ल्स और यंग बॉयज़। लुक्स, बॉयज़ तो लुक्स देखते हैं कितनी खूबसूरत है, और लड़कियां ये गलती करती हैं कि वो स्टेटस देखती हैं, ठीक है, वो उसके पास ये बड़ी गाड़ी है या उसके यू नो बाइसेप्स हैं या यू नो, बट ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करती, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का अगर उसका करेक्टर अच्छा नहीं है। सो ये हार्श रियलिटी है मॉडर्न रिलेशनशिप्स की, क्योंकि हम सोशल मीडिया से एक दूसरे को लाइक करते हैं पिक फोटोज़ देख के और स्टेटस देख के, तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन जब उसके साथ आप एक महीना गुजारते हैं, इसलिए आजकल डिवोर्स बहुत जल्दी हो रही है और डिवोर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, क्योंकि शादी तो कर लेते हैं लेकिन एक महीना जब साथ रहते हैं तो अंदाज़ा होता है कि यार ये तो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है, क्योंकि आपने उसका करेक्टर कभी देखा ही नहीं, अभी आपने कभी रेड फ्लैग्स पे गौर ही नहीं किया, आपने उन बातों पे गौर ही नहीं किया कि उसके बोलने का अंदाज़ कैसा है, वो किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, उसका लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में पर्सपेक्टिव क्या है, क्या वो हर वक्त कंप्लेनिंग है, क्या वो टू मच टॉक्सिक है, क्या वो हर वक्त फैमिली को, दोस्तों को गालियाँ देता है, बुरा भला बोलता है, हर विक्टिम खुद को समझता है, हर टाइम दूसरों को ब्लेम करता है। अगर इस टाइप का है तो वो फिर आपको भी ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा और अपनी अनहैप्पीनेस का खुद को विक्टिम समझेगा और आपको दुश्मन समझेगा। सो इसलिए ऐसे इंसान से दूर हैं। ये 5 हार्श ट्रूथ हैं, अगर इन पे गौर किया जाए तो आप अपनी रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं इन्हें अवॉइड करके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।